कल शहर में ताजा विसर्जन किसी भी प्रकार की अनिच्छनीय घटना के बगैर शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। ताजा विसर्जन के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के मुस्लिम बिरादरों ने शिरकत की। या हुसैन के नारों के साथ शहर के वारसिया सरसिया जैसे अलग अलग विस्तार के तालाबों में 500 से भी अधिक ताजियाओं का विसर्जन करके उन्हें ठंडा किया गया। यह पूरी विधि शहर में किसी भी प्रकार की अनिच्छनीय घटना के बगैर शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। सदस्य द्वारा ऊपर 166 अने नाना ताजिया मन्नत में कुल नदी 550 ताजिया आज विसर्जन थे। एनी अंदर वडोदरा शहर नगरजनों खबे थी खबर मिला कौमी एकता साथ आ मोरम शरीफ में त्यौहार उजा है। जेनी अंदर वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर श्री तेमज एमन आखू स्टाफ अने वडोदरा महानगर सेवा सदन कमिश्नर अने एमन स्टाफे जो सेवा सदन तरफ की तमाम सुविधाओं पूरी पाड़ी है। अने वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर साहेब जे अमे जहाँ पर कीधु से पूरा बंदोबस्त गोठवण करी है। अने ये बंदोबस्त परिणाम है कि शहर में एक पण अनिश्चित बनाव बन्यो नथी। आ वडोदरा शहर एटले संस्कार नगरी है अने वडोदरा शहर की अंदर આજે જે તાજિયા કમિટીની અપીલને માન આપી અને લોકો યાકુબપુરાના તાજિયા અને ફતેપુરાના તાજિયા લગભગ 6:30 વાગ્યા પૂરા થઈ ગયા। ગઈકાલે બપોરની રાત્રે પણ એ તાજિયાઓ 11:30 વાગ્યા પૂરા કરવામાં આવ્યા હતા। આ વડોદરા શહેર અને જે વડોદરા શહેરના જે તાજિયા કમિટીની જે અપીલને માન આપી અને વડોદરા શહેરના નગરજનોએ ખભાથી ખભા મિલાવી અને આ જે તહેવાર ઉજવ્યો છે જેવા કે પરમ દિવસે નરસિંહજીનો વરઘોડો છે એની અંદર પણ અમારા વિસ્તારના અને મુસ્લિમ આગેવાનો એની અંદર પણ જોડાશે અને નરસિંહજીના વરઘોડામાં 10 વર્ષ મુજબ આ વખતે પણ નરસિંહજીનો વરઘોડાનું સન્માન થશે અને કોમી એકતા અને ભાઈચારો જોડાઈ રહેશે।